आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट या सर्कल पॉलीलाइन से ड्रॉ किए हुए ऑब्जेक्ट लाइन को या कुछ किसी भी ड्रॉइंग को रोटेट कैसे किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल कैड टू करेक्ट में। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो एक साइड से सर्कुलर है, एक साइड से स्ट्रेट लाइन में है। यह एक बेसिक मॉडल बनाया हुआ है ताकि आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करें। रोटेट करने के लिए किसी भी कमांड को या कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमारे पास तीन तरीके के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है हम टूल बार का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा होता है मेन्यू बार का उपयोग कर सकते हैं, और तीसरा होता है हम कमांड पैनल का उपयोग कर सकते हैं। टूल बार का उपयोग करने के लिए आपको जाना होगा होम में। होम में आप जाने के बाद ये मॉडिफाई पैनल के अंदर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रोटेट, या फिर आपको बार में आप मॉडिफाई में जाने के बाद आप यहाँ पे रोटेट इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तीसरा होता है कमांड का, जो मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप कमांड का उपयोग करें जिससे आपकी ड्रॉइंग की स्पीड बढ़ती रहे। कमांड के लिए आपको कमांड देनी होगी आर ओ टाइप करने के बाद आप कीबोर्ड पे दबा देंगे एंटर का बटन दबाने के बाद आपकी रोटेट की कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाता है रोटेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आप जिसे रोटेट करना है। जैसे कि ये मेरा पॉलीलाइन है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस कीबोर्ड पे दबाना होता है एंटर। एंटर दबाने के बाद आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछा जाता है, यानी आपको बेस पॉइंट कहाँ से रोटेट करना है। आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं, यानी आप इस माउस के पॉइंट को कहीं भी पिक करके आप इसको जो अपना वर्किंग स्क्रीन है उस पर वर्किंग एरिया है उस पर कहीं भी क्लिक करके आप रोटेट कर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, या फिर मैं सेम कमांड का उपयोग करते हुए सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ। इस तरीके से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक आसान सा बेसिक सा तरीका रोटेट करने का। अगर हमें इसे किसी रेफरेंस लाइन के साथ रोटेट करना है, अगर हमें इसे किसी एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे अंडू कर देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करने के लिए वापस फिर से कीबोर्ड पर कमांड देंगे आर ओ, फिर हम दबा देंगे एंटर। एंटर दबाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें कोई भी एक स्पेसिफाइड पॉइंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये कॉर्नर सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉर्नर सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसे एंगल देना होगा, मुझे जिस भी एंगल में इसे रोटेट करना है 45, 90, 135, 185, या आप इसी डायरेक्शन में इसको पूरा 360 तक की जो भी रिक्वायर्ड डिमेंशन है आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मैं इसे 180 देता हूँ। जैसे मैंने 180 दिया, ये यहाँ पे रोटेट हो गया। हम इसे अनरोल कर देते हैं। हम इसे बेसिकली देख सकते हैं जैसे कि हम इसे रोटेट करके 45 पे हमने इसको रोटेट कर दिया। मैंने 45 पे इसे रोटेट किया। आप इसको 45 चेक करने के लिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके इसका रेफरेंस चेक करा देता हूँ। हम एनोटेशन में जाके यहाँ पे जाके हम इसका एंगल चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये 45 डिग्री में रोटेट, इस प्रकार से ये 45 एंगल में रोटेट हो गई। दूसरा तरीका होता है हम इसे रेफरेंस के तरीके से कैसे रोटेट कर सकते हैं, यानी हमें किसी लाइन के इसको अलाइन करना है, उस तरीके से कैसे करेंगे। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड पर दबा देंगे एंटर। एंटर दबाने के बाद आपको पूछा जाता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये हमारा हो गया बेस पॉइंट। बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा, आपको नीचे यहाँ पे आता है ऑप्शन रेफरेंस कॉपी। हम रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड पे आर भी दबा सकते हैं। मैं रेफरेंस पे सिलेक्ट कर देता हूँ। रेफरेंस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको बेस पॉइंट से जो एंगुलर लाइन है जिसे हमें दूसरी लाइन को अलाइन करना है, यानी आपके इस ऑब्जेक्ट की कोई भी एक डिरेक्शन, जैसे कि मैं ये डिरेक्शन, ये दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये अगले पॉइंट तक ये जो लाइन है मुझे इस पॉइंट को इसके अलाइन करना है, तो वो पहले ये पॉइंट से ये पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मेरा ये लाइन माउस के साथ रोटेट हो रही है। अब हमें किसी भी लाइन को उसको अलाइन करना है, जैसे कि मुझे इसके साथ अलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस प्रकार देख सकते हैं ये इस लाइन के अलाइन में रोटेट हो चुका है। सेम तरीके से दूसरा ऑप्शन होता है आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके आप एंटर दबा दें। एंटर दबाने के बाद आपको वापस यहाँ पे पूछा जाता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक और ऑप्शन आ पाता है कॉपी, यानी आप इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट को रखते हुए अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसमें कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप इसे कोई भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये जीरो था, ये 90 हुआ, ये 180 हुआ। अगर मैं इसे 180 दे दूंगा तो ये 180 पे रोटेट हो जाएगा। तो ये थी बेसिकली कॉपी कमांड, जिसमें आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रैंडम इसे
रोटेट कर सकते हैं, या कोई एंगल देते हुए रोटेट कर सकते हैं, या कोई रेफरेंस पॉइंट का भी यूज करते हुए रोटेट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें आप रोटेट के साथ साथ अपने पुराने वाले ऑब्जेक्ट को रखते हुए आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसे आप 2-3 बार देखिए ताकि आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें ऑप्शन है, थोड़ा रेफरेंस पॉइंट क्लिक करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।